नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा आज उपस्थित हूँ सूर्य नमस्कार का विषय लेकर के। सूर्य को नमस्कार करने के हमारे शास्त्रों में बहुत पुराने समय से ही बहुत सारे नियम बताए गए हैं, बहुत सारे तरीके बताए गए हैं कि सूर्य को इस तरीके से नमस्कार किया जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सवेरे सवेरे जागें और जागते ही जो सूर्योदय जिस समय हो रहा होता है उस समय अपनी हथेलियों को अच्छे तरीके से रफ करते हुए हथेलियों को आंखों पर रखें और हथेलियों को आंखों पर रखने के बाद हाथ धीरे धीरे नीचे ले आए, फिर धीरे धीरे करके पलकों को खोलते हुए सूर्य को नमस्कार किया जाए। दूसरा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्नान करने के बाद एक तांबे के पात्र में पानी भर करके, जल भर करके और हाथों को बिल्कुल सिर के ऊपर करके और फिर धीरे धीरे करके ताम्र पात्र से जल को इस तरीके से सूर्य को अर्पित किया जाए कि वो जल आपके आंखों के सामने से ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा हो। योग में जब सूर्य को नमस्कार करने का प्रोसेस आया, बताया गया, योग में 12 पोजेस बनाए गए जिनको करके सूर्य को नमस्कार करने का विधान बताया गया है। हम वो पूरे के पूरे 12 पोजेस किस तरीके से किए जाते हैं, श्वास की क्रिया उन पोजेस को करने में किस तरीके से चलती है और अगर हम आध्यात्मिक उन्नति के हिसाब से भी सूर्य नमस्कार को करते हैं तो सूर्य के द्वादश नाम जो हैं उन नामों के साथ सूर्य को नमस्कार करने के लिए उन पूरे सूर्य नमस्कार के 12 पोजेस को आप मंत्र के साथ, मंत्र के उच्चारण के साथ में उनकी प्रैक्टिस करी जाती है। इस पूरे प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझने के लिए, डेमो के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर श्रद्धा जी। ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप सूर्य के नमस्कार के जो पोजेज हैं वो आपको कैसे कैसे करने हैं, श्वास की क्रिया कैसे रहेगी और मंत्र के साथ किस तरीके से आप सूर्य नमस्कार के पोजेस को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार चूंकि खड़े होके करने वाला विधान है तो हम सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ फ्रंट थाइस पर। आप डॉक्टर श्रद्धा को देखेंगे कि किस तरीके से सूर्य नमस्कार के 12 पोजेस को करना है। हम पहले सिंपली एक बार पूरे के पूरे 12 पोजेस को करके देखते हैं। आप पोजेस एक बार समझ लीजिए पहले। 1 नमस्कार आसन, 2 हस्त उत्तानासन, 3 पाद हस्तासन, 4 अश्व संचालनासन, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांग नमन, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्व संचालनासन, 10 पाद हस्तासन, 11 हस्त उत्तानासन, 12 नमस्कार आसन। ये आपने देखा कि ये 12 पोजेज हैं और इनको करने का जो तरीका है, जो पोजेस किस तरीके से अटेन करने हैं वो आपने समझे। अब हम देखते हैं कि इन पोजेस को करेक्ट प्रोसेस से कैसे करना है, करेक्ट प्रोसेस हर पोज को करने का क्या है। तो सबसे पहले हम नमस्कार आसन, मतलब एक आसन जो नमस्कार आसन है उसको किस तरीके से किया जाएगा। आपने दोनों हाथों को दोनों हाथों की हथेलियों को बिल्कुल नमस्कार मुद्रा में ले जा करके और सीने के बिल्कुल बीच में आपने अपनी दोनों हथेलियां रख रखी हैं, ठीक है, ये नमस्कार आसन है। दूसरा जो आसन है वो है हस्त उत्तानासन। हस्त उत्तानासन का मतलब है हाथों को ऊपर की ओर उठाने वाला आसन। हाथों को ऊपर की ओर उठाते समय हाथों को पूरा ऊपर की तरफ खींचना है, पूरे शरीर को स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ, ये है हस्त उत्तान आसन। फिर आप तीसरे आसन में जो आसन करते हैं वो है पाद हस्तासन, मतलब हाथ जो आपके हैं वो दोनों पैरों के पास पहुंच जाएं।
इसमें अगर हाथ आपके दोनों पैरों के पास पहुंच रहे हैं तो फिर अब आपका माथा घुटने की तरफ चले और संभव हो जाए तो माथा घुटनों पर लग जाए। ये तीसरा आसन है जिसको बोला जाता है पाद हस्तासन। चौथा अश्व संचालन आसन, इसके लिए एक पैर को आप पीछे ले जाते हैं, जो पैर पीछे है उसका पंजा बिल्कुल पीछे की तरफ रहेगा, फिंगर्स पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, ये आपका पोज है। कमर बिल्कुल नीचे रहेगी, रीढ़ बिल्कुल पूरे तरीके से नीचे की तरफ झुकती हुई रहेगी और गर्दन को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठा करके रखना है। दोनों हाथों के बीच में आपका आगे वाला पैर रहेगा। यह है अश्व संचालन आसन। अब हम दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएंगे और जो पैर पीछे रखा है उसके बगल में रखेंगे और इसका नाम है पर्वतासन। पर्वतासन में दोनों एड़ियां आपकी जमीन पर टच होनी चाहिए। आप देख रहे हैं डॉक्टर श्रद्धा की दोनों एड़ियां जमीन पर टच हैं। नजर जो है वो नाभि पर रखनी है, नजर नाभि पर रहेगी पर्वतासन। अब हम छठे आसन में जिसका नाम है अष्टांग नमस्कार, उसमें आप देखें कि पैर के पंजे घुटने दोनों हथेलियां सीना और चिन ये आपकी जमीन पर टच है तो इसके लिए इसको बोला जाता है अष्टांग नमस्कार। इसके बाद आप जो सातवां आसन है, आसन का नाम है भुजंगासन। भुजंगासन में आपने देखा दोनों हाथ सीने के बगल में थे, श्वास को भरते हुए सीने को ऊपर की तरफ उठाया हुआ है, दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों पैर की उंगलियां पीछे की तरफ पॉइंट करती हुई, गर्दन बिल्कुल ऊपर की तरफ, सिर से ऊपर छत की तरफ देखने की कोशिश, ये हो जाएगा भुजंगासन। अब आप भुजंगासन से आएंगे फिर से पर्वतासन में, आठवां पर्वतासन। पर्वतासन में फिर से दोनों एड़ियां जमीन पर, नजर नाभि पर। फिर पर्वतासन के बाद फिर हम आ रहे हैं अश्व संचालन आसन में। अश्व संचालन आसन के लिए दोनों पैर जो पीछे थे वहां से एक पैर को आप उठा करके दोनों हाथों के बीच तक लाने की कोशिश करेंगे। देखा आपने डॉक्टर श्रद्धा ने पैर को उठाया और उठा करके दोनों हाथों के बीच तक पूरा पैर को लेके आए। ये है अश्व संचालन आसन। इसमें कमर नीचे रहेगी, गर्दन ऊपर की तरफ, छत की तरफ देखती हुई आंखें, ठीक है। इसके बाद में आप दूसरे पीछे वाले पैर को भी आगे के पैर के बगल में लगा करके रखेंगे। अब आसन हो जाएगा फिर से पाद हस्तासन। पाद हस्तासन मतलब पैरों पर दोनों हाथ आ गए। अब आपके यहां से श्वास को आप फिर से भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे हस्त उत्तानासन के लिए। हस्त उत्तानासन मतलब दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए ऊपर पूरा खींचना है, खींच के रखना है। और जब आपका यह हस्त उत्तानासन हो जाएगा उसके बाद दोनों हाथों को फिर से नमस्कार मुद्रा में लेकर के आना है। ये आपका पूरा 12 पोजेस करेक्ट प्रोसेस क्या होता है वो हुआ। अब हम इन 12 पोजेस में श्वास की स्थिति कैसी रहेगी, श्वास की प्रक्रिया कैसे चलती है, इसकी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार आसन, वान नमस्कार आसन। नमस्कार आसन में आप श्वास भरोगे और श्वास को छोड़ दोगे। अब श्वास छोड़ दी है तो अब टू में श्वास को भरते हुए आप हस्त उत्तानासन में श्वास को भरते हुए जाएंगे। हाथ ऊपर की तरफ जैसे ही उठाना चालू करोगे आप श्वास को भरना चालू करोगे और पूरे हाथों को ऊपर खींच करके श्वास को पूरा भर लिया आपने। अब थ्री में जब आप पाद हस्तासन में जाओगे तो श्वास को छोड़ते हुए पाद हस्तासन में जा रहे हो आप, श्वास को छोड़ते हुए पाद हस्तासन में जा रहे हैं। फिर श्वास को भरते हुए अश्व संचालनासन की अवस्था में आ जाएंगे, श्वास को भरते हुए अश्व संचालनासन। फिर श्वास को छोड़ते हुए हम फिफ्थ पोजीशन में आएंगे जिसका नाम है पर्वतासन। पर्वतासन में आ गए, श्वास को छोड़ा अब हमने, अब श्वास को भरा और आ गए हम अष्टांग नमस्कार की मुद्रा में। श्वास को भरते हुए अष्टांग नमस्कार में आ गए और यहीं श्वास को छोड़ भी दिया। यहां ये एकमात्र पोज है जिसमें हम श्वास को भर और छोड़ रहे हैं पहले और बारहवें के अलावा, ठीक है।
तो अब हमने श्वास को भरा था, श्वास को छोड़ दिया, अब हम दोबारा से श्वास को पूरा भरेंगे और श्वास को भरते हुए भुजंगासन की अवस्था में आ जाएंगे। फिर श्वास को पूरा छोड़ेंगे और श्वास को छोड़ते हुए पर्वतासन की अवस्था में आ जाएंगे। फिर श्वास को भरते हुए एक पैर को दोनों हाथों के बीच में सामने की तरफ लेकर आएंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए आप दूसरे पैर को पहले पैर के बगल में दोनों हाथों के बीच में लेकर के आ जाएंगे। अब श्वास को भरना है, दोनों हाथों को हस्त उत्तानासन की अवस्था में ले जाना है और श्वास को छोड़ना है और नमस्कार आसन में आप आ जाएंगे। ठीक है, ये है श्वास को भरते और छोड़ते हुए किस तरीके से करना है। अब हम केवल श्वास की प्रक्रिया के साथ में, श्वास भरना और छोड़ना, मैं 1-2 नहीं बोलूंगा, श्वास को कब भरना और छोड़ना है, तो सबसे पहले श्वास को भरा और श्वास को छोड़ दिया नमस्कार आसन, श्वास को भरते हुए 2, श्वास को छोड़ते हुए 3, श्वास को भरते हुए 4, श्वास को छोड़ते हुए 5, श्वास को भरा और श्वास को छोड़ दिया 6, श्वास को भरते हुए 7, श्वास को छोड़ते हुए 8, श्वास को भरते हुए 9, श्वास को छोड़ते हुए 10, श्वास को भरते हुए 11, श्वास को छोड़ते हुए 12। ये पूरा श्वास को भरना और छोड़ने का क्रम है। ये श्वास के साथ में अगर सूर्य नमस्कार किया जाता है तो थकान बहुत ज्यादा नहीं होती है। श्वास के साथ में अगर आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, और बिना श्वास के आप कर रहे थे तो 5-7 में आप थक जा रहे थे, श्वास के साथ में जब आप इस प्रोसेस को करोगे तो बहुत इजीली 20 से 25 सूर्य नमस्कार तो बहुत आसानी से हो सकते हैं, अगर श्वसन की प्रोसेस को पूरा फॉलो करते हुए सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाएगा। अब हम देखते हैं मंत्र के साथ में सूर्य नमस्कार। मंत्र के साथ में सूर्य नमस्कार अर्थात सूर्य को संबोधित करने के लिए द्वादश नाम है सूर्य के, तो इन द्वादश नामों के साथ में सूर्य को नमस्कार करना। अब सूर्य चूंकि देवता है तो सूर्य देव को नमस्कार करने के द्वादश नाम जो हैं उनको पूरा नामों के हिसाब से सूर्य देव को नमस्कार करना है। सूर्य देव को नमस्कार करने का मंत्रों के साथ भी 2 तरीके हो सकते हैं। पहला कि आप हर पोज पर एक मंत्र बोलें और 12 पोजेज में एक राउंड में ही आप पूरे के पूरे द्वादश नामों से आप सूर्य को एक राउंड में ही नमस्कार करें। और दूसरा होता है कि एक नाम आपने बोला और एक नाम बोलने के बाद आपने पूरा एक प्रोसेस दोहरा लिया, तो हम एक नाम के साथ पूरे एक राउंड में ही पूरे द्वादश नाम वाला पहले कर लेते हैं। तो किस तरीके से होगा, नाम जो सूर्य के हैं मैं पहले सूर्य के नाम का उच्चारण करूंगा और सूर्य देव के नाम के उच्चारण के बाद में फिर हम पोज को अटेंड करेंगे। जैसे पहला नाम है ओम मित्राय नमः, नमस्कार आसन पहला आसन। ओम रवये नमः 2, ओम सूर्याय नमः 3, ओम भानुवे नमः 4, ओम खगाय नमः 5, ओम पूष्णे नमः 6, ओम हिरण्यगर्भाय नमः 7, ओम मरीचये नमः 8, ओम आदित्याय नमः 9, ओम सावित्रये नमः 10, ओम अर्काय नमः
ओम भास्कराय नमः 12। ये होता है पूरा नाम और नाम के साथ में सूर्यदेव को नमस्कार। अब दूसरा विधान जो है वो ये भी है कि आप पहले एक मंत्र बोलें और पूरा एक राउंड सूर्य नमस्कार कर लें। ठीक है, उसमें कैसे करेंगे, आप दो बार दो मंत्रों के साथ पूरा राउंड करते हैं, उसके बाद फिर पूरे मंत्र आप कर सकते हैं इसको ऐसे। सबसे पहले कैसे करेंगे, ओम मित्राय नमः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दूसरा मंत्र है ओम रवये नमः। इनहेल एंड एक्सहेल, 1, 2 इनहेल, 3 एक्सहेल, 4 इनहेल, 5 एक्सहेल, 6 इनहेल एंड एक्सहेल, श्वास को भरा और छोड़ दिया, 7 इनहेल, श्वास को भरा, 8 एक्सहेल, श्वास को छोड़ा, 9 इनहेल, श्वास को भरा, 10 एक्सहेल, श्वास को छोड़ा, 11 इनहेल, 12 एक्सहेल। ये दूसरा हुआ। तीसरा, ओम सूर्याय नमः। आप पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं। फिर ओम भानुवे नमः, फिर से आप पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं। ओम खगाय नमः, फिर पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। ओम पूषणे नमः, 6 राउंड आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर ओम हिरण्य गर्भाय नमः, 7 राउंड कंप्लीट कर लिया। ओम मरिचय नमः, पूरा एक बार फिर से। ओम आदित्याय नमः, फिर से पूरा एक राउंड। ओम सावित्रे नमः, फिर से पूरा एक राउंड। ओम अर्काय नमः, फिर से 11th राउंड कंप्लीट किया। ओम भास्कराय नमः, ये 12th राउंड कंप्लीट कर लिया। अब जब पूरे 12 हो जाएं, तो फिर एक राउंड की प्रैक्टिस फिर से करते हैं। इन पूरे 12 नामों से जब सूर्य को नमस्कार कर लिया जाता है, तो फिर 13वीं बार जो 13th राउंड होता है, वो इन पूरे के पूरे 12 नामों के बिहाफ पर आप फिर से एक बार नमस्कार करते हैं, और वो है ओम सावित्र सूर्य नारायणाय नमः, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये पूरा नमस्कार का पूरा हो गया सूर्य नमस्कार। अब पूरा सूर्य नमस्कार करने के बाद हम ये देखें कि सूर्य को नमस्कार करने के बाद आपको लाभ के रूप में क्या क्या मिलता है। अब लाभ के रूप में आपको क्या क्या मिलता है, जैसे अभी डॉक्टर श्रद्धा ने पूरा लगभग 4-5 बार 5-6 बार सूर्य नमस्कार अभी हुआ, अभी। तो ये 5-6 बार जब सूर्य नमस्कार का पूरा 12 राउंड्स का अभ्यास 5-6 बार जब किया गया, तो देखें कि हल्का सा शरीर में पसीना आना चालू हो गया, शरीर में हल्की सी हृदय के स्पंदन की गति बढ़ गई होगी,
श्वसन की दर थोड़ी बढ़ जाती है। ये क्या हो रहा है, ये आपके शरीर में जो खून का संचार है वो चलायमान हो जाता है। आपको शारीरिक रूप से शरीर में बहुत अच्छा फायदा मिलना चालू होता है। खाने के पचने की दर सही हो जाती है, पाचन तंत्र अपना धीरे धीरे करके दुरुस्त होना चालू हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो श्वसन तंत्र है वो बढ़िया होना चालू हो जाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट और जो वेसल्स हैं खून की नलियां हैं उनमें खून की चाल अच्छी मात्रा में तेज गति से चलना चालू कर देती है। बीपी जिनका बहुत ज्यादा रहता है उनको सूर्य को नमस्कार करने के पोजेस जो है वो धीरे धीरे करके आराम आराम से करने हैं। बहुत जल्दी में सूर्य नमस्कार का अभ्यास जिनका बीपी ज्यादा है उनको नहीं करना चाहिए। फिर आप देखते हैं कि इस सूर्य नमस्कार का फायदा साइकोलॉजिकली आपको कैसे होगा, तो